आगे आगे चलूं मैं पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी, कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज जा रहे हैं पतरातु डैम, और हम लोग कवर करेंगे आज पतरातु डैम और पतरातु वैली। ऊपर तक पूरा पहाड़ के ऊपर तक जाएंगे और नीचे का सीन दिखाएंगे। बहुत ही जबरदस्त दिखता है, रोड वहां का बहुत ही मस्त दिखता है ऊपर से। तो चलिए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ सारे लोगों के आने का, फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो आइए आगे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे कि डैम और वैले कैसा दिखता है। तो हम लोग ये जर्नी हजारीबाग से शुरू कर रहे हैं। तो हजारीबाग से पतरातु वैली का डिस्टेंस एज पर गूगल मैप 82-84 किलोमीटर अप्रॉक्स दिखाता है। तो रामगढ़ जाने के रास्ते में आपको ये जगह मिलेगा। जो लोग झारखंड में रहते हैं उन्हें यह जगह अच्छे से पता होगा, यह कुछू जगह है। और यहाँ पर पहाड़ को काटकर बीच से रास्ता बनाया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ काटा हुआ है और उसके बीच से हमारी गाड़ी जा रही है। मतलब जब आप इस जगह से क्रॉस करोगे तो यू विल गेट सच एन अमेजिंग फीलिंग। इतना अच्छा लगता है ये, मतलब सीन जो है देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। अभी वीडियो में आपको भले उतना अच्छा लगे या ना लगे, पर जब आप एक्चुअली क्रॉस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, मतलब कितना ही सुंदर लगेगा ये। तो देखिए अभी हम लोग उसी रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं और आपके लिए हमने ये पूरा कैप्चर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कुछ दूर तक पहाड़ के बीच से जाने का अच्छा सीन देखने का मौका मिलेगा। तो आप जब भी इस प्लेस से जाएं, इस प्लेस का व्यू देखें एंड आई एम श्योर यू विल इंजॉय। तो आगे बढ़ते हुए अब हमें साइन बोर्ड दिख रहा है, तो उसमें देखते हैं कितना डिस्टेंस बचा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है पतरातु 28 किलोमीटर। तो अब हम डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अब 28 किलोमीटर के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे वैली की तरफ पहुँच रहे हैं। आप रोड को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घाटी वाला रोड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए अभी जो टर्निंग है वो शार्प है, बहुत ही शार्प नहीं है बट शार्प टर्निंग है। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ के ऊपर अभी जो रोड बनाया हुआ है उस पर गाड़ी हमारी टाटा एल्ट्रोज जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखे जा सकते हैं जो कि पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देखिए ऊपर में ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी हुई दिख रही हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऊपर भी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं, व्यू का पूरा आनंद उठा रहे हैं। तो अब कुछ ही टाइम और लगेगा और हम सब भी ऊपर पे पूरा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से व्यू आपको दिखाएंगे जो कि बहुत ही सुपर्ब होगा। तो देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, तो आप इतने लोगों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब ये जो प्लेस है ये कितने लोगों को अट्रैक्ट करता है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये सारे लोग इस प्लेस को घूमने के लिए ही आए हुए हैं। देखिए गाड़ियों की तो मतलब दोनों साइड पूरी कतार है, इतने सारे लोग घूमने आए हुए हैं। और अब हम लोग भी टॉप पर पहुँचते हैं, तो पहुँच कर आपको यहाँ का जो अमेजिंग सा जो सीन है वो सीन आपको दिखाते हैं। उतना भी किनारे नहीं लगा ना, कुछ लोग नीचे भी गाड़ी लगाए हुए हैं और कुछ खा पी रहे हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं, आपको जो भी प्लेस अच्छा लगता है आप उसको कैप्चर करके एज अ मेमोरी बनाना चाहते हैं, तो आप फॉर श्योर यहाँ पर रुक सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ पर फोटोग्राफी कीजिए। तो देखिए हम लोग अभी और भी ऊपर पहुँच गए हैं और जितना भी रोड है जो ट्रैवल किए हैं वो सब, मतलब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे होता हुआ दिखेगा और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ऊपर पहाड़ पर पहुंचते जा रहे हैं। तो अब कुछ ही देर है, अब हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ पे, आप इस प्लेस पे अगर जा रहे हैं तो आप जितना टाइम चाहें स्पेंड कर सकते हैं। आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें मिलेंगी, अगर आपको कुछ ज़्यादा वैरायटी खाना है तो आप पहले से पैक करवा कर अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं।
कुछ लोग बीच में भी रुके हुए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी है और साथ में आपको बहुत ही अच्छा सीन मिलता है, आपको उसको एंजॉय करते हुए जाना है। आप यहाँ पर घूमने के लिए कार का, बाइक का, जो भी आपके पास व्हीकल है, या फिर अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, फैमिली में जा रहे हो, तो आप कोई भी व्हीकल बुक कर सकते हो और आराम से इस प्लेस पर पहुंच सकते हो। और आप देख सकते हैं कितने लोग बाइक पर भी घूम रहे हैं, तो आप बाइक पर भी आराम से आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लोग आराम से बैठ कर आ सकते हैं। तो अब हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं, तो अब आपको ऊपर का अमेजिंग सा सीन अब आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। तो ये वो प्लेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो आइए अब यहाँ का जो बहुत ही प्यारा सा सीन है वो देखते हैं। ये देखिए, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर में और यहाँ से आपको वो मस्त नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं नीचे का वो रोड जो आप लोग पहले वीडियो में देखे हैं और जहाँ से होकर हम लोग इतनी ऊंचाई पर आए हैं। आप देख लीजिए कितना ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, पूरा आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है और ऊपर में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं, अपनी गाड़ियाँ लगाए हुए हैं, और यहाँ से आपको पूरा ही वो नज़ारा दिखेगा जिसके लिए आप वो ब्यूटीफुल रोड ट्रैवल करके आए हैं ऊपर। तो जो भी लोग अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इतनी ऊंचाई पर भी आपको गुपचुप, जिसको हम गोलगप्पे बोलते हैं, वो आराम से मिल जाएगा। लोग यहाँ पर खा रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर खाकर अच्छे नज़ारे के साथ अपना मूड बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। आप गोलगप्पे खा सकते हैं, हवा मिठाई जो बोलते हैं वो भी अवेलेबल था, वो भी आप खा सकते हैं। आपके चॉइस की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो जो भी अवेलेबल हो, अगर आपको पसंद हो तो आप उसका लुत्फ आराम से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए होम डेकोर के लिए भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये सारी चीज़ें वुडन से बनी हुई हैं, जैसे वुडन ट्रे या फिर वुडन कोस्टर, और फिर आपका ये सब जैसे चाबी टांगने वाला हो गया। तो आपको अगर पसंद आए तो आप यहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं। यार सबसे बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाई पर ये सारे लोग लेकर आ रहे हैं और अपना सामान सेल कर रहे हैं, चाहे वो गोलगप्पे वाले हो या होम डेकोर वाले हो या हवा मिठाई वाले हो। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो आप एक दो लेकर जा सकते हैं और आप उसको अपने घर पर आराम से डेकोरेटिव पीस सजा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके, फोटोशूट करके, फिर अब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर एक बोर्ड आ रहा है जहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है आई लव पतरातू वैली। तो देखिए ये आ गया बोर्ड, आई लव पतरातू वैली, एंड आई एम श्योर आप जब यहाँ पर एक बार विजिट करोगे तो डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। तो ये प्लेस बहुत ही अच्छा है, आप जब भी रिफ्रेशमेंट चाहते हो तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो, यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आने के लिए। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद। तो नेक्स्ट अब हम लोग पतरातू डैम कवर करने वाले हैं, तो पतरातू डैम का जो वीडियो है नेक्स्ट में होगा। और यहाँ पे इस वीडियो में अभी वापस जाते समय हम उन प्लेसेस को कवर करेंगे वीडियो में जो आपके लिए आधे वक्त शूट नहीं कर पाए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है और ये सारा जो है वो पहाड़ पर है, तो आप यहाँ पे जाओगे तो बहुत ही रिफ्रेश्ड फील करोगे। अभी वापस जाते समय आपके लिए हम वीडियो में एक आते वक्त नदी दिखा था, वो भी कैप्चर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी प्लेसेस छूट गया है वो आपको हम इस वीडियो के जरिए दिखा देंगे, और नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रैवल करने आओगे तो वो प्लेसेस को आप मिस नहीं करोगे। तो आप मतलब एक बार जब ट्रैवल करने गए हो तो सारा प्लेसेस कवर हो जाएगा। अब हम थोड़ा ही और ट्रैवल करेंगे तो जो घाटी वाला एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म होने के बाद से हम शूट करेंगे पतरातू डैम की तरफ।
तो अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, आप आराम से नीचे की तरफ उतरिए और जितना भी ग्रीनरी है, जो भी फॉरेस्ट एरिया है, प्लांट्स है, रोड कंस्ट्रक्शन है, सारे का आप आराम से नज़ारा ले सकते हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए आप ये सब प्लेसेस देखते जाइए, कितना ही अच्छा है ये प्लेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वैली एंड थैंक यू घाटी क्षेत्र समाप्त। अब देखिए घाटी क्षेत्र यहाँ से समाप्त हो गया है, तो यहाँ से अब जो नॉर्मल रोड है आपको मिलेगा, पर वो रोड भी बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए यहाँ से पूरा जो पहाड़ वाला व्यू है वो व्यू दिख रहा है, कितना ही अच्छा लग रहा है। आप इधर भी चाहते हैं तो आप रुककर इधर फोटोशूट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आपके फोटोज बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे यहाँ पर ही वो नदी है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि जाते वक्त वीडियो में मैं आपके लिए कैप्चर करूँगी। तो हम गाड़ी को अभी बहुत ही स्लो कर दिए हैं ताकि ये वीडियो आपके लिए हम कैप्चर कर पाएं। तो देखिए ये वाली नदी कितनी दूर से आ रही है, और ये नदी के पास भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फोटोशूट कर सकते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए वो नदी अब क्रॉस कर रहे हैं हम, तो आप ये मिस ना कर दें इसलिए आपके लिए हमने कैप्चर किया है। आप देख सकते हैं कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हैं फोटोशूट करने के लिए, क्योंकि आप सामने से जब देखोगे तो लोकेशन बहुत ही अच्छा है, आप आराम से बहुत ही अच्छे फोटोज ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट के वीडियो में आपको पतरातु डैम के बारे में सारा डिटेल्स देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो काफी लंबा हो जाता, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। पतरातु डैम का भी हम लोग वीडियो पब्लिश करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आराम से अच्छी अच्छी जगहों पर घूमते रहिए और मज़ा लेते रहिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।